Wash, show, draw these. Hi, everyone, welcome back. अपनी मॉर्निंग से लेकर पूरे दिन की रूटीन के साथ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ मजेदार और सुपर हेल्दी रेसिपी साथ ही लास्ट ब्लॉग में आपने जो भी सवाल मुझसे पूछे थे उन सारे सवालों के जवाब देने के साथ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने दोनों बच्चों के स्टडी और यूएस के स्कूल सिस्टम के बारे में तो चलिए आज का ये प्यारा सा ब्लॉग आप मेरे साथ एंजॉय करें तो रोज की ही तरह आज भी मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई है सुबह के पांच बजे से सवा पाँच के बीच दिन बच्चों को बस तक ड्रॉप करना होता है स्कूल जाने के लिए इसलिए सुबह ही रेडी होकर हर दिन की तरह यहाँ मैं कर रही हूँ किचन में रोज होने वाले अपने जरूरी काम जिनमें से सबसे पहला काम मेरे लिए होता है अपने लिए ब्रेकफास्ट और बच्चों के स्कूल के लिए लंच तैयार करना वैसे आज बच्चों को लंच में खाना था सूजी के वॉफल्स इसलिए किचन में आते ही मैंने एक कप सूजी को अराउंड एक कप दही के साथ भिगा दिया ये वॉफल बहुत ही हेल्दी और मजे के बनते हैं तो इसे बनाकर जरूर ट्राई करना अब बस थोड़ा सा नमक ऐड कर सूजी को दही के साथ अच्छे से मिलाकर एक बैटर तैयार करेंगे दिन वॉफल बनाने से पहले सूजी का फुलना बहुत ही जरूरी है इसलिए बैटर को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए मैंने एक साइड में रख दिया और यहाँ फिलहाल अपने ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ चाय और मुंबई स्टाइल पोहा अपने पोहा की रेसिपी मैंने पहले कभी आपके साथ शेयर नहीं की लेकिन बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से पोहा बनाती हूँ मैं जिसमें केवल खूब सारा प्याज और पीनट होता है तो पोहा बनाने के लिए हमें लेना है थिक पोहा और इसे बनाने से पहले पोहा को एक स्ट्रेनर में रखकर अच्छी तरह धोए देन इसी स्ट्रेनर इस में पोहा को साइड में रखकर छोड़ दे इससे पोहा में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा निकल जाएगा तो मुंबई स्टाल पोहा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक टेबल स्पून गर्म तेल में आधी चम्मच राई और जीरा का तड़का लगाया जीरा के लाल होते ही तड़के में हम एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे वैसे मुझे लंबे आकार में कटे हुए प्याज खाने में अच्छे लगते हैं लेकिन आप चाहो तो छोटे आकार में कटे हुए प्याज तड़के में ले सकते हो देन प्याज के साथ तड़के में मैंने सात से आठ करी पत्ता और दो से तीन हरी मिर्च ऐड कर उन्हें भी मीडियम से तेज आच पर प्याज के हल्के ब्राउन होने तक भून लिया और जैसे ही प्याज भून जाए हमें तड़के में ऐड करना है वन फोर्थ कप भुने हुए मूंगफली के दाने अगर आपके पास भुने हुए पीनट्स नहीं है तो दानों को पहले ही तेल में भून कर फिर तड़के में प्याज करी पत्ता और हरी मिर्च ऐड करना बाकी पोहा बनाने के लिए हम मसालों में सिर्फ हल्दी और मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और तो कोई मसाले इसमें नहीं पड़ते तो अब जैसे ही मूंगफली के दाने थोड़ा ब्राउन हो जाए तड़के में थोड़ा सा हिंग आधी छोटी चम्मच हल्दी और मिर्च पाउडर के साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर मसालों को तड़के में मिला ले साथ ही जो पोहा धोकर हमने साइड में रखा था उसे तड़के में ऐड कर हल्के हाथों से अच्छी तरह मिलाए दिन दो से तीन मिनट के लिए धीमी आंच पर पोहा को ढककर पकने दे स्टेम से पोहा बनकर तैयार हो जाएगा उन्हें ज्यादा देर तक पकाना नहीं होता अब स्टोव बनकर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और हरा धनिया ऐड कर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे हरा धनिया नहीं था मेरे पास तो मैंने नहीं ऐड किया लेकिन आपके पास होगा तो जरूर डालना इससे पोहा का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा तो बस यही सिंपल तरीका है मेरे पोहा बनाने का मॉर्निंग के रस में 10 से 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है प्लस आज तो चाय भी बनकर रेडी थी सो गर्मा गर्म चाय के साथ फिलहाल मैं जा रही हूँ अपना ये मजेदार पोहा इंजॉय करने देन मुझे करना है बच्चों का लंच तैयार इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कुछ ब्यूटीफुल आइटम्स जो कि मुझे रिसीव हुए हैं डॉसिया ब्रांड से तो इन्हें यूज कर इनका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर सकू वैसे डोसे के परफ्यूम और होम डिफ्यूजर मैंने पहले भी यूज किया है एंड दे स्मेल रियली गुड काफी क्लीन एंड सूदिंग होता है इनका फ्रेगरेंस लेकिन इनका कैंडल मैंने पहले कभी यूज नहीं किया था इसलिए इस बार मैंने डोसे ब्रांड से कैंडल मंगवाया फ्लोरल मार्क्स मेलो जो कि इंस्पायर्ड है डोंट बी शाय परफ्यूम से सो डोसिया ब्रांड की यही खास बात है कि इनके वेबसाइट पर आपको एक से एक लग्जरी ब्रांड के परफ्यूम से इंस्पायर्ड फ्रेगरेंस रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे क्वालिटी वही होगी लॉन्ग लास्टिंग वाली लेकिन प्राइस होगा आपके बजट में और अगर मैं इनकी क्वालिटी के बारे में कहूँ तो डोसिया ब्रांड के कैंडल्स 100% परसेंट वैक्स के बने होते हैं जिनमें किसी भी तरह का एडिटिव नहीं होता प्लस डोसे के कैंडल्स कम्पलीटली वीगन और नेचुरल फार्मूला से बने होने के साथ क्वालिटी पैराबन और कॉलें फ्री होते हैं तो अगर आप अपने लिए किसी वीगन क्लीन और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस की तलाश में हो टुडोसे के परफ्यूम कैंडल्स और होम डिफ्यूजर जरूर ट्राई करे कैंडल के साथ मैंने इस बार अपने घर को एरोमेटिक रखने के लिए एक रूम डिफ्यूजर मंगवाया जिसका फ्रेगरेंस है फ्लोरल हनी सकल और ये फ्रेगरेंस इंस्पायर्ड है गुची के ब्लूम परफ्यूम से तो इस रूम डिफ्यूजर में आपको एक हंड्रेड एम के डिफ्यूजर के साथ सेवन रेड्स मिलेंगे जिसे आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से अरेंज कर अपने घर के एंट्रेंस या रूम के किसी भी कॉर्नर में रख दे कम से कम एक महीने तक हंड्रेड एम का ये डिफ्यूजर आपके घर को सूदिंग काम और एरोमेटिक बनाए रखेगा वैसे पिछले साल से मैंने डोसिया के कई सारे परफ्यूम ट्राई किए लेकिन इनका एक फ्रेग्रेंस जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो है एक्वेटिक कोकोनट मुझे ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट मिला है इसे वेयर करने पर एक बॉटल खत्म होने से पहले ही इसकी दूसरी बॉटल मेरे पास होती है अब तक ये मेरी थर्ड बॉटल है जो कि मैं यूज कर रही हूँ इस फ्रेगरेंस की तो डोसे ब्रांड का ये फ्रेगरेंस मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी यू गोना लव इट और फिलहाल तो इनके वेबसाइट पर डिस्काउंट चल रहा है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डोसे की वेबसाइट से अपना मन चाह फ्रेगरेंस आज ही ऑर्डर करें चाय पीने के बाद जितने बर्तन खाली हुए थे उन्हें मैंने सिंक में रख दिया अब वो सारे बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही क्लीन होंगे और जो बटर मैंने घी बनाने के लिए रखा था सारे मेल्ट हो गए अब इसे स्लो आज पर ऐसे ही आराम से पकने देंगे तब तक चलिए आपके साथ मैं शेयर करूँ अपने वॉफल्स की रेसिपी तो दही और सूजी के बैटर को साइड में रखे हुए आधे घंटे हो गए थे अब वॉफल्स बनाने के लिए पहले इस बैटर में मैंने अराउंड आधा चम्मच ऑयल ऐड किया देन बैटर में हम अपने बच्चों के पसंद के हिसाब से सब्जियां ऐड करेंगे सब्जियों में मैंने रेड एंड येलो बेल पेपर बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा लिया है ग्रेट किया हुआ गाजर वैसे मैंने पहले भी अराउंड वन टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था बैटर में लेकिन सब्जियाँ ऐड करने के बाद मुझे लगा कि नमक माइट भी थोड़ा कम पड़ जाए इसलिए थोड़ा सा नमक और ऐड किया साथ ही थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ड्राई पार्सली और ब्लैक पेपर ऐड कर ले अब बैटर के साथ इन सारी सब्जियों और मसालों को अच्छी तरह मिलाएंगे और बस सूजी का हेल्दी वाफर्स बनाने के लिए बैटर बनकर है तैयार और वॉफल मेकर को ऑन करके मेकर के दोनों साइड में अच्छी तरह बटर लगाए देन जिस तरह हम रेगुलर वॉफल बनाते हैं वैसे ही सूजी के इस बैटर को वीडियो में दिखाए गए तरीके से हमें करना है स्प्रेड वॉफल बनाने के लिए बैटर का लेयर थोड़ा सा थिक रखे देन वॉफल मेकर को बंद कर सूजी के बैटर को हम दो मिनट के लिए पकने देंगे वो भी वॉफल मेकर के लाइट सेटिंग पर याद रखें सेटिंग सबसे लाइट या स्लो वाली ही रखना दो मिनट के बाद आप देखोगे तो बैटर ने ऑलरेडी वॉफल का आकार ले लिया होगा लेकिन अभी आपका वॉफल काफी सॉफ्ट है तो उसे उठाना नहीं वरना टूट जाएगा बल्कि फिर से वॉफल मेकर को बंद करके अपने सूजी के बैटर को दो मिनट के लिए और पकने दे इससे वॉफल का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा और इसे आप उठाकर आराम से हैंडल कर पाओगे तो पूरे चार मिनट हो गए हैं को बनते हुए लेकिन फिर फिर भी अंदर से से थोड़ा कच्चा है तो इसे आप पलट फिर से दो मिनट के लिए पकने देंगे और अब फाइनली दो मिनट के बाद आप चेक करोगे तो देखोगे कि वॉफल दोनों ओर से हो चुका है गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी तो सूजी के एक वॉफल को अच्छे से बनाने में मुझे पूरे छह मिनट लगे अब इस बैटर से एक और वॉफल बनेगा तो बस इसी तरह हम बनाकर तैयार करेंगे अपना दूसरा वॉफुल तो एक कप सूजी का बैटर तैयार करने और उससे दो बच्चों के लंच के लिए वॉफल तैयार करने में मुझे अराउंड बीस से पच्चीस मिनट लगे लेकिन सब्जियों से भरपूर एक हेल्दी मील बनकर तैयार हो गया जिसे आपके बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे तो अगर आपके पास वॉफल मेकर है तो सूजी के इस हेल्दी वॉफल को बनाकर जरूर ट्राई करना और इस रेसिपी के बारे में अपना फीडबैक मेरे साथ आपके कमेंट के जरिए ज़रूर शेयर करें बच्चों का लंच पैक कर मैंने उनके बैग में रख दिया और यहाँ दोनों रेडी होकर फिलहाल पी रहे हैं अपने मॉर्निंग की मिल्क वैसे आज का ये व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था वेलेंटाइंस के दिन और यहाँ तो वेलेंटाइंस बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है स्कूलों में बच्चों ने कितने गुडी बैग्स बनाकर स्कूल में लेकर जाना है इसकी पूरी लिस्ट उन्हें अपने टीचर से ही मिल जाती है वैलेंटाइंस के एक हफ्ते पहले ही और ऐसा नहीं है कि वेलेंटाइंस के दिन आपका बच्चा गिफ्ट लेकर ही जाए अगर आप नहीं सेलिब्रेट करते हो तो ना दो स्कूल में इनका बस यही रूल होता है कि अगर आपका बच्चा स्कूल में गिफ्ट लेकर आ रहा है तो वो सारे बच्चों के लिए लेकर आए अपने बजट के हिसाब से वरना फिर किसी के लिए भी ना लेकर जाए जिससे सारे बच्चों को इक्वली गिफ्ट मिले और ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को गिफ्ट मिले ही ना या दूसरों के हिसाब से कम मिले ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को क्लास में लेफ्ट आउट ना फील करे स्मैन का इस बार पहला वैलेंटाइन होने वाला था अपने स्कूल में और ये दिन उसके लिए खास हो इसलिए दो दिन पहले ही बच्चों को हम वॉलमार्ट ले गए कि अपने पसंद से उन्हें जो भी लेना होगा ले लेंगे सो लिस्ट के हिसाब से बच्चों को जितने भी गुडी बैग्स अपने स्कूल लेकर जाना था अपने टीचर और फ्रेंड्स के लिए उन सारे बैग्स को कल रात में ही मैंने पैक करके सामने काउंटर पर रख दिया सो बच्चे स्कूल जाते समय अपना बैग साथ में लेकर जाए और एंजॉय करें अपना वैलेंटाइन डे अपने फ्रेंड्स के साथ कई बार बाहर अगर मौसम अच्छा हो या अच्छी धूप निकली हो तो बच्चों को उनके ड्रॉप करने के बाद वॉक पर चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए लेकिन आज घी बनने के लिए रखा हुआ था इसलिए कहीं नहीं गई घर आकर देखा तो घी बनकर रेडी है सोस्टो बनकर घी को पहले ठंडा होने के लिए रख दिया एक साइड में जब घी पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा देन इसे कंटेनर में भरकर रख दूंगी साथ ही सिंक में थोड़े बर्तन रखे हुए थे तो घर आकर सबसे पहले अपना किचन क्लीन किया देन यहाँ मैं करने जा रही हूँ फिलहाल अपनी लॉन्ड्री और जो कपड़े मुझे धोने होते हैं उनकी कलर और टेक्सचर के हिसाब से उन्हें मैं अलग करके रखती हूँ अपने लॉन्ड्री रूम में और फिर उसी हिसाब से मेरे कपड़े वॉश होते हैं जैसे कि एक बास्केट में केवल मैंने अपने डार्क कलर वाले कपड़ों को ही रखा है मुझे लगता है कि लाइट और डार्क कलर वाले कपड़ों को साथ में धुलने से आपके डार्क कलर वाले कपड़े बहुत ही जल्दी डल और पुराने लगते हैं लाइट कपड़ों के लेंट की वजह से इसलिए इन्हें अलग से ही धोना चाहिए पिछले हफ्ते मैंने कॉस्को और जिम्बोरी विजिट किया था और वहाँ फ़िलहाल विंटर के कपड़ों पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है खासकर बच्चों के कपड़ों पर अराउंड सेवेंटी परसेंट ऑफ़ में मुझे बच्चों के इतने प्यारे स्वेटर मिले जिम्बोरी से और कॉस्को में तो फिलहाल बच्चों के जॉगर और कार्गो पैंट आदि से भी कम प्राइस से मिल रहे हैं आजकल सो विंटर के जो भी कपड़े मुझे पसंद आए मैंने आयांस स्मैन के लिए लेकर रख लिया और इन कपड़ों को मैंने रखा हुआ था बच्चों के क्लोजेट में तो आज सोचा कि वहां से हटाकर इतने सारे बैग घर में खाली पड़े हैं उनमें से किसी बैग में इन कपड़ों को रख दूँ ताकि क्लोजेट में ज्यादा क्लटर ना हो बच्चों के स्कूल जाने से लेकर लंच बनाने के बीच घर में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए खासकर क्लीनिंग वाले काम तो बस आज सुबह से ही मैं लगी हुई थी घर की सफाई करने और अब जाकर कहीं घर के सारे काम पूरे हुए घी ठंडा हो गया था तो कंटेनर में भरकर उसे कैबिनेट में रख दिया और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए लंच वैसे आज मेरा मन कर रहा था चिली पनीर बनाने का और इसे बनाने के लिए जो सब्जियाँ चाहिए वो सारी फ्रिज में ऑलरेडी रखी थी तो सोचा बना लूँ एक तो जल्दी बन जाएगा प्लस बहुत ही मजे का बनाती हूँ मैं चिली पनीर रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो अगर आप नहीं बनाते हो तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करना तो चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम गर्म तेल में आठ से दस कद्दूकस किया हुआ लहसुन और आधा इंच अदरक डालकर उन्हें अराउंड तीस सेकेंड तक भूनेंगे देन थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज ऐड कर ले साथ ही एक कप बड़े आकार में कटे हुए प्याज के टुकड़े डालकर इन सारी सब्जियों को हम मीडियम से तेज आंच पर एक मिनट तक भूनेंगे देन मेरे पास रेड ग्रीन और येलो तीनों भी कलर के बेल पेपर रखे हुए थे तो उन्हें भी मैंने प्याज की तरह बड़े आकार में कट करके प्याज के साथ एड कर दिया अब इन सारी सब्जियों को हम मीडियम से तेज आंच पर केवल तीन से चार मिनट के लिए भूनेंगे साथ ही मैंने हरे प्याज की पत्तिया भी कट करके रखी थी तो सब्जियां भूनने के बाद मैंने उन्हें भी ऐड कर दिया थोड़ी सी पत्तियां मैंने हरे प्याज की बचा कर रखी है उसे चिली पनीर बनने के बाद सर्व करते समय डालेंगे और सब्जियों को भूनते समय स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च भी ऐड कर ले सब्जियों के भून जाने के बाद अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे यहाँ मैंने लिया है अराउंड दो कप बड़े साइज में कटे हुए पनीर वैसे पनीर को मैंने डिप फ्राई नहीं किया लेकिन अगर आप चाहो तो पनीर को पहले डिप फ्राई कर लेना देन सब्जियों में ऐड करें अब इसमें हम एक चम्मच सोया सॉस चिली सॉस और शेजवान सॉस डालेंगे सॉस में थोड़ी मिठास लाने के लिए टमाटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो अब सॉस को थोड़ा थिक बनाने के लिए एक चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स कर पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे अब इसे भी सॉस के साथ ऐड कर तेज आंच पर चलाएंगे इससे आपके सॉस थोड़े गाढ़े हो जाएंगे और पनीर पर इनकी कोटिंग होकर एक अच्छी सी लेयर आएगी बस अच्छे से सारे सॉस को मिलाए देने आखिर में हरे प्याज की पत्तियां ऐड कर गर्मा गर्म, गर्म चिली पनीर सर्व करें वैसे कई बार मैंने पहले चिली पनीर बनाते समय पनीर को डीप फ्राई या एयर फ्राई किया है जो कि दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि आपने बाहर से मंगवाया है लेकिन मुझे हेल्दी नहीं लगता डीप फ्राई किया हुआ फूड खाना इसलिए अब मैं पनीर को फ्राई नहीं करती

उठी तो देखा दो बज गए थे दोपहर के वैसे बच्चों के लिए तो मैंने कुछ नहीं बनाया था सो जल्दी से गोभी की सब्ज़ी कट की और आटा गुनकर फिलहाल यहाँ मैं बना रही हूँ गोभी की सूखी सब्जी और रोटियाँ इंडो चाइनीज़ मेरे बच्चों को इतना पसंद नहीं आता वरना चिली पनीर थोड़ा मैं ज़्यादा बना देती लेकिन बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने बस अपने और संजय के लिए ही बनाया था सोचा कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले रोटी और सब्ज़ी बना दूंगी उनके लिए वैसे भी गोभी की सब्जी मेरे बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं खासकर स्मयन गोभी तो उसकी फेवरेट है तो अराउंड थ्री थर्टी तक बच्चों की बस आ जाती है स्कूल से सो तीन बजे तक मैंने अपना लंच रेडी कर दिया था देन रेडी होकर अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने आपके लिए वेरी ब्यूटीफुल्ड है उस वेरी ब्यूटीफुल दिखा मुझे किसने दिया आपको कार्ड विद व थालो, थालो। बाहर अगर धूप निकली है तो बच्चों को मैं घर आने के बाद धूप में भेज देती हूँ थोड़ी देर खेलने के लिए देन खेलने के बाद दोनों नहा कर रेडी होते हैं और फिर अपना लंच कर आधे से एक घंटे जब तक कि उनके क्लास का टाइम ना हो जाए बस टीवी पर उन्हें गेम खेलना होता है पिछले व्लॉग में मुझे कमेंट मिला था कि मेरे बच्चों की ही तरह आपके बच्चे भी माइनक्राफ्ट की वीडियो देखना पसंद करते हैं सो बच्चों को यूट्यूब पर माइनक्राफ्ट की वीडियो दिखाना सही है या नहीं तो मुझे लगता है कि अगर आपका बच्चा उनके एज के हिसाब से एप्रोप्रिएट चैनल यूट्यूब पर देख रहा है वो भी लिमिटेड टाइम के साथ तब तो माइनक्राफ्ट के वीडियोस देखने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वैसे भी आजकल के बच्चों में माइनक्राफ्ट इतना पॉपुलर है कि स्कूल में जाकर भी मोस्टली बच्चे बस इसी के बारे में बात करते हैं एक दूसरे से इवन आयांस को भी पहली बार माइनक्राफ्ट के बारे में स्कूल से ही पता चला था एंड काफी क्यूरियस था वो इस गेम के बारे में जानने के लिए तो हमने ही उसे पहली बार यूट्यूब पर माइनक्राफ्ट के वीडियोज लगा कर दिए थे ताकि उसे भी पता चल सके और फिर को तो अयान से ही पता चला था इसके बारे में सो आजकल के बच्चों में माइनक्राफ्ट इतना कॉमन हो गया है कि उन्हें इसके बारे में पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से और फिर हमारे बच्चों का भी मन करता है कि उनके दोस्तों की ही तरह वो भी माइनक्राफ्ट की वीडियोस देखे तो मुझे लगता है कि हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा यूट्यूब पर जो भी वीडियोज देख रहा है या चैनल फॉलो कर रहा है माइनक्राफ्ट के उनका लैंग्वेज सही हो और जो भी उनका कंटेंट हो हमारे बच्चों के एज के हिसाब से हो लेकिन फिर मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि यूट्यूब पर इतने सारे चैनल हैं माइनक्राफ्ट के कि हमें भी डर लगा रहता है कि जो वीडियो हमारा बच्चा देख रहा है कहीं उनका कंटेंट गलत ना हो और हर बार तो हम बच्चों के साथ बैठ कर ये देख नहीं सकते कि वो क्या देख रहा है यूट्यूब पर तो बच्चे यूट्यूब पर माइनक्राफ्ट के वीडियोज ना देखे इसलिए एक्स लाकर हमने उसे कनेक्ट कर दिया है टीवी से ताकि बच्चे यूट्यूब पर वीडियोस देखने की बजाय खुद खेले Minecraft के गेम और बस यही उनका स्क्रीन टाइम होता है इसके अलावा या पर मूवीज देखते हैं दोनों बच्चे खासकर वीकेंड पर बाकी फोन वगैरह की डिमांड तो नहीं करते लेकिन जब भी मौका मिले उन्हें बस गेम खेलना होता है Xbox पर बच्चों के स्कूल में आज अराउंड छह बजे से एक इवेंट होने वाला था मल्टी कल्चरल नाइट जिसमें स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था उनकी फैमिली के साथ तो इस इवेंट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री और कल्चर को अपने यूनिक फूड आर्ट और डांस के थ्रू वैसे एपिडेमिक के बाद मल्टी कल्चरल इवेंट मेरे सामने पहली बार हो रहा था इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं थी मुझे पहले से लेकिन आगे से हर साल होगा और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर यहाँ मैं अपने भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करूँ अपनी फैमिली के साथ इसलिए आज खास मैंने इस इवेंट को अटेंड किया ताकि मैं इसके बारे में और जान पाऊँ और मुझे आइडियाज़ मिल सके अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए Wash, show, draw, these, clean, laugh, many, please, together, because. The architecture of ancient Greek used columns in the construction of their buildings. Ancient examples such as Parthenon still exist today. Didn't be important spelling in Ions? वो अच्छे से देखो ठीक है पार्थनोन स्पेल करो ओलंपिक दिस इज द पार्थनोन एंड देयर इज स्टैच्यू आउटसाइड द पार्थनोन ऑफ द गॉड व्हिच आई डोंट नो हाउ इट लुक्स लाइक ओके बेटा ओलंपिक लिखो नाउ कॉलम वन सेकंड इवेंट से आने के बाद बच्चों ने अपना डिनर किया और कल अयांश का एक असेसमेंट होने वाला है स्कूल में प्लस थोड़ा होमवर्क था करने के लिए तो फिलहाल अयांश अपना होमवर्क कर रहा है कंप्लीट वैसे कई दिनों से मुझे आपके कमेंट मिल रहे हैं कि मैं आपके साथ अपने दोनों बच्चों के स्टडी के बारे में शेयर करूँ प्लस उनके एज के बारे में भी आपको जानना था तो मेरा बड़ा बेटा अयांश आठ साल और छह महीने का कंप्लीट हो चुका है और वर्जीनिया के एक पब्लिक स्कूल में थर्ड ग्रेड का स्टूडेंट है और मेरा छोटा बेटा स्मयन फिलहाल केजी में है और छह साल का कंप्लीट हो चुका है लास्ट नवंबर में वैसे यहाँ यूएस के हर स्टेट के पब्लिक स्कूल में अपना एक अलग करिकुलम फॉलो होता है वहाँ के काउंटी के हिसाब से तो वर्जीनिया के जिस काउंटी में हम रहते हैं वहाँ के पब्लिक स्कूल में बच्चों को के से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक केवल उनके रीडिंग पर फोकस किया जाता है तो स्मयन को होमवर्क के नाम पर केवल कुछ बुक्स मिलते हैं बिगिनर्स लेवल के या साइट वर्ड्स के घर में प्रैक्टिस करने के लिए ताकि उसकी रीडिंग अच्छी हो बाकी राइटिंग वर्क उसे आज तक नहीं मिला है स्कूल से और मैथ में केवल केजी के बच्चों को जीरो से हंड्रेड तक नंबर्स को आइडेंटिफाई करना और लिखना आना चाहिए अयांस का भी करिकुलम यही था केजी में और फर्स्ट ग्रेड तक उसे बस रीडिंग के लिए ही बुक्स मिलते रहे घर में प्रैक्टिस करने के लिए और सेकेंड ग्रेड तक अयांश का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था स्कूल में केवल क्लास में असेसमेंट होते थे बच्चों के ग्रोथ देखने के लिए तो यहाँ पब्लिक स्कूल में के से लेकर सेकेंड ग्रेड तक बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते उनका पहला एग्जाम शुरू होता है थर्ड ग्रेड से तो इस साल से अयांश का एसओ शुरू हो गया है स्कूल में और होमवर्क रोज मिलता है उसे करने के लिए वैसे मोस्टली होमवर्क उन्हें अपने स्कूल के लैपटॉप में करना होता है और जिस दिन लैपटॉप पर होमवर्क नहीं होता उस दिन पेपर वर्क मिलता है होमवर्क करने के लिए फिर हर हफ्ते असेसमेंट होती है जिसका मटेरियल एक हफ्ते पहले से ही बच्चे को मिल जाता है स्कूल से प्रैक्टिस करने के लिए और असेसमेंट का जो भी रिजल्ट होता है अयांश के टीचर हमें भेज देती है दो तीन दिनों में चेक करके ताकि पेरेंट्स को भी पता चले उनके बच्चों के लर्निंग के बारे में तो ये पेपर्स जो आप देख रहे हो ये सारे पेपर आयांस के होमवर्क और असेसमेंट वाले पेपर से पिछले दो हफ्तों के बाकी बुक्स वगैरह बच्चों के स्कूल में ही होते है घर में केवल उन्हें होमवर्क के लिए स्टडी मटेरियल दिया जाता है और ये आज का होमवर्क है अयांश का इसे कंप्लीट कर उसे करना है कल सबमिट सो ये तो रहा दोनों बच्चों के ग्रेड के हिसाब से स्कूल का करिकुलम इनके अलावा भी यहाँ के पब्लिक स्कूल में कंट्री वाइड एलिमेंट्री स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स रन होता है जो कि एप्लीकेबल होता है यूएस के सारे बच्चों के लिए तो अगर इन प्रोग्राम्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना देन किसी और ब्लॉग में बात करेंगे इसके बारे में बाकी आज का ब्लॉग आपको जैसा भी लगा हो कमेंट कर मुझे जरूर बताना ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखें।